हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरीके का फ़ोटो एडिटिंग एमएस वर्ड में कैसे कर सकते हैं दीपावली के लिए, मतलब कि आप दीपावली के लिए अपना फ़ोटो एडिटिंग कुछ इस तरीके से एमएस वर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। आप विंडो के साथ आर करेंगे, यहाँ से रन कमांड ओपन होगा। इसमें भी आप विनवर्ड लिख के विंडो को एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट बटन पे जाकर यहाँ से देखेंगे तो विंडो को दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको यहाँ से अपने पेज का डिज़ाइन चेंज करना है, वो मतलब लेआउट। लेआउट में सबसे पहले जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ से ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ से पोर्ट्रेट चालू रहता है, तो हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं, क्योंकि पोस्टर डिज़ाइन जब भी बनाना होगा उसको हम हमेशा लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट में नहीं बनाते हैं, लैंडस्केप में बनाते हैं। लैंडस्केप में पेश करने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें एक इमेज ऐड कर लेते हैं लगाने के लिए। और इस वीडियो में आपको जितने भी इमेज ऐड करने के लिए मिलेंगे सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सभी इमेजेस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी अपने फ़ोटोज़ में सभी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अब सबसे पहले हम यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से पिक्चर्स में चले जाएंगे। पिक्चर्स में जाने के बाद दिस डिवाइस का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करेंगे। अब दिस डिवाइस को ओपन होने के बाद यहाँ से हम देख लेते हैं फ़ोटो है कहाँ। तो यहाँ से हम जहाँ फ़ोटो है उस वाले फोल्डर में चले जाते हैं। तो यहाँ है न्यू ईयर, इसी नेम से हमने फोल्डर को बनाया है। तो आपको भी फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके कुछ तरीके से फोल्डर में रख लेना होगा। तभी फ़ोटो को फोल्डर में रखने के बाद अब हम यहाँ से फर्स्ट फोटो इंसर्ट करते हैं, ये वाला। इसको क्लिक करके पहले हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाना होगा। पिक्चर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इमेज को इनप्रिंट करना होगा। इनप्रिंट करने के बाद अब आपको इस इमेज का साइज फिक्स कर देना होगा पूरे पेज में, ताकि ये इमेज पूरे पेज में दिखे। इतना सबसे पहले आपको कर देना होगा। कुछ इस तरीके से आपको इमेज पहले जूम करके लगा देना होगा। ये इमेज लग जाने के बाद फिर से आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर्स वाले ऑप्शन में जाना है, फिर से दिस डिवाइस। उसके बाद यहाँ से हम एक दूसरे पिक्चर को ऐड कर लेते हैं, जिसको हम किनारे किनारे बॉर्डर में लगाएंगे। यहाँ से इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लिए। अब इसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ से हम पहले जाएंगे ब्राइट टेक्स्ट में, इसको भी इनफ्रंट कर लेंगे। इनफ्रंट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको ऊपर हम लगा दिए। इसको लगाने के बाद अब इसी की जैसे सेम एक और लेना है, उसके लिए कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ से डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट आने के बाद अब इसको रोटेट करना है, तो यहाँ से इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं। इसको रोटेट करने के बाद इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे। इस पर क्लिक करके अब हम इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट होने के बाद वो पिक्चर आ गया। अब इसको भी पहले सबसे पहले हमको यहाँ से ब्रैप टेस्ट में जाके इनफ्रंट करना होगा। इनफ्रंट कर लिए। इनफ्रंट करने के बाद अब हमारा ये इसके ऊपर दिख रहा है, मतलब ये वाला जो है इसके ऊपर दिख रहा है, ये दोनों के नीचे करना है। तो पहले हम यहाँ से एक बार फिर से क्लिक किए, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिया है, एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए इसके नीचे गया। फिर से एक बार इसी के ऊपर क्लिक किए तो अब इसके नीचे चला गया। अब इतना होने के बाद इसका हमें पहले सेचुरेशन थोड़ा सा कम करना है, मतलब ट्रांसपेरेंसी। उसके लिए यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ से हम दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा हल्का। फिर हम इंसर्ट में जाके पिक्चर ऐड कर लेते हैं। पिक्चर में गए दिस डिवाइस। अब यहाँ से हमको फिर एक पिक्चर को ऐड कर लेना होगा। पिक्चर को ऐड करने के बाद हम उसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से ये वाला लेके इसको भी इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इसके इनफ्रंट करना होगा। उसके लिए हम रैप टेक्स्ट में फिर से गए, इसको इनफ्रंट कर लिए। इनफ्रंट करने के बाद अब इस पिक्चर का साइज पहले थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इतना छोटा करने के बाद अब यहाँ इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करके लगा देंगे। यहाँ ऐसे रोटेट करके लगाने के बाद थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर से इसको कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट यहाँ लगाने के बाद अब इसको भी कुछ तरीके से इधर रोटेट कर देंगे, वो इस तरफ रोटेट है, इसको इस तरफ कुछ तरीके से रोटेट करके इसको यहाँ लगा देंगे। इतना करने के बाद अब आपको जो हैप्पी न्यू ईयर वाला है वो भी आपको इंसर्ट में जाके ऐड कर लेना होगा। फिर से यहाँ पर हम जो लिखा वाला है उसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ये है, आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में।
अब यहाँ से इसको आने के बाद इसको भी पहले हम इन फ्रंट कर लेंगे। इन फ्रंट करने के बाद अब इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ लगाने के बाद अब हमको एक 2024 का भी लोगो इंसर्ट कर लेना होगा, मतलब जिसमें 2024 लिखा हो। फिर से इंसर्ट में जाके पिक्चर में गए, लिस्ट में इसमें जाके अब हम एक और ऐड कर लेते हैं जिसमें लिखा होगा कुछ इस तरीके से। इसको भी ले लेंगे, इंसर्ट कर लिए। अब इसको भी यहाँ से इन फ्रंट कर लेंगे। इन फ्रंट करने के बाद इसको भी छोटा करके नीचे कुछ इस तरीके से लगा देंगे, क्रॉप करके कुछ इस तरीके से। इसको भी अब हम छोटा करके यहाँ नीचे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब और थोड़ा सा छोटा करना है, फिर से यहाँ से क्लिक करके और छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे ये लग गया। इसको लगाने के बाद फ़ोटो लगाना है एक, तो यहाँ से फिर से हम इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर्स में जाके अब हम फ़ोटो को भी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आपको बैकग्राउंड पहले से ही रिमूव करके रखना होगा, और आपको जानना है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे उस पर। अब इस पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, और आप एम एस वर्ड की मदद से ही बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कैसे करना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे इसको वीडियो बना के। अब इसको यहाँ से लाने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं फ़ोटो को। कुछ इस तरीके से फ़ोटो को छोटा करने के बाद यहाँ लगा देंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा फ़ोटो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें आप कुछ और थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर आप जितने भी इमेजेस ऐड हैं सभी को छोटा बड़ा करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप करके उसके बाद अपने फ़ोटो को भी सेव कर सकते हैं।